हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम केमिकल सेंसेस की बात करेंगे जिसमें टेस्ट और स्मेल आता है। सो हाउ डू सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल वर्क? तो हमारी जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो कैसे काम करती है? द सेंस ऑफ टेस्ट एंड दिस सेंस ऑफ स्मेल आर क्लोजली रिलेटेड। ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, टेस्ट और स्मेल दोनों ही। सो पहले हाउ वी टेस्ट द वर्ल्ड, टेस्ट की बात करते हैं जिसको हम गस्टेशन भी बोलते हैं, गस्टेशन। सो टेस्ट बर्ड, आप सबको पता होगा कि हमारे टंग में कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग टेस्ट जो है वो पता चलते हैं फूड का। सो टेस्ट बर्ड्स आर कॉमन नेम फॉर टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। वो बेसिकली क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे माउथ में होते हैं, ठीक है, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंस ऑफ टेस्ट के लिए, जिसको हम गस्टेशन भी बोलते हैं। मोस्ट टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड ऑन द टंग। ज़्यादातर टंग पे, हमारी जीभ में ही होते हैं सारे टेस्ट बर्ड्स। देर आर फ्यू ऑन द रूफ ऑफ द माउथ एंड चीक्स, और थोड़े से हमारे जो मुंह के अंदर ऊपर की साइड है वहाँ पे भी होते हैं, चीक्स में भी होते हैं साइडों में गालों की तरफ, और टंग के नीचे भी होते हैं। तो ज़्यादातर टंग के ऊपर होते हैं लेकिन थोड़े बहुत ऐसे एरियाज में भी हैं। और कुछ लोगों के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अराउंड 500 होते हैं और कुछ के उससे 20 गुना ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर जिसके टेस्ट बर्ड्स कम होंगे उसको टेस्ट में इतना ज़्यादा सेंसिटिवनेस नहीं होगी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नमकीन या बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। लेकिन अगर जिसके टेस्ट बर्ड्स ज़्यादा हैं उसको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नमकीन या बहुत ज़्यादा मीठा बहुत जल्दी उसको पता चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके मुंह में टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो फिक्स नंबर ही होते हैं, मिनिमम 500 है और मैक्सिमम इससे 20 गुना ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जिनके माउथ में टेस्ट बर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनको हम सुपर टेस्टर्स बोलते हैं, उन लोगों को हम सुपर टेस्टर्स बोलते हैं, क्योंकि उनको उनका टेस्ट बर्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उनके खाने में सीजनिंग बहुत कम भी डालोगे ना, अगर हल्का सा भी नमक या हल्का सा भी चीनी उनको दोगे तो उनको वो चीज़ नॉर्मल लगेगी। तो टेस्ट बर्ड्स कम होंगे तो आपको ज़्यादा सीजनिंग, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा चीज़ें डालनी पड़ती हैं। अगर टेस्ट बर्ड्स कम होते हैं तो आप कम मसालों में भी आपको नॉर्मल लगता है। सो इसीलिए सबका टेस्ट अलग अलग होता है, किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही मीठी लगती है जबकि किसी और को नॉर्मली इतनी मीठी नहीं लगती। डिपेंड करता है कि उसके माउथ में टेस्ट बर्ड्स या टेस्ट रिसेप्टर ज़्यादा हैं इसलिए। और टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? जनरली लोग जो है हमारे जो टंग में छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिखाते, यहाँ पे जो होते हैं छोटे छोटे बम्प्स उनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। एक्चुअली में उनका जो प्रॉपर नेम है वो है पेपिले। बम्प्स आर कॉल्ड पेपिले एंड द टेस्ट बर्ड्स लाइन द वॉल ऑफ दीज पेपिले। और जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो इनकी वॉल्स पे होते हैं। सो ये इन्होंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, राइट साइड ऑफ द ड्राइंग शोज नर्व्स इन द टंग डीप इनसाइड। तो ये एक टंग है, इसमें ये ऐसे नर्व्स होती हैं। फिर उसके बाद द टेस्ट बर्ड्स इज लोकेटेड इनसाइड द पेपिले एंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल सेल्स दैट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक पेपिले दिखाया हुआ है जिसके अंदर टेस्ट बर्ड है, ये टेस्ट पोर है, फिर टेस्ट हेयर्स हैं। हेयर मतलब कि जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो रिसेप्टर सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल्स है। ये टंग है, ये आउटर लेयर ऑफ द टंग। ये फोटो एक पेपिले की फोटो है, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोग्राफ ऑफ द सरफेस ऑफ द टंग शोइंग टू डिफरेंट साइज ऑफ पेपिले। तो ये टंग को इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा हुआ है, तो यहाँ पे ये आपको अलग अलग साइज के पेपिलेज नज़र आ रहे हैं। टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड अंडर द सरफेस ऑफ द लार्जर रेड पेपिले। तो ये जो बड़े वाले रेड कलर के पेपिले हैं इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स ऊपर नहीं होते हैं, जनरली हम बोलते हैं जो जीभ में हमें नज़र आ रहे हैं वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स अंदर होते हैं पेपिले के। सो ईच टेस्ट बर्ड हैज 20 रिसेप्टर्स दैट आर वेरी सिमिलर टू द रिसेप्टर साइड्स ऑन रिसीविंग न्यूरॉन्स। तो हर एक टेस्ट बर्ड्स में 20 रिसेप्टर्स होते हैं।
रिसेप्टर्स ऑन द टेस्ट बड्स वर्क एग्जैक्टली लाइक रिसेप्टर साइट्स ऑन द न्यूरॉन्स. दे रिसीव मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस दैट फिट इनटू द रिसेप्टर लाइक लॉक की इनटू अ लॉक. अब रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो वो उसी पर्टिकुलर टेस्ट को कैच करते हैं जिसके लिए वो बने, जिससे शेप उनकी मैच करती है. जैसे हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है कि जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं न्यूरॉन्स की, उसमें वही पर्टिकुलर स्टिमुलाई जाके फिट होता है जो उसकी शेप से मैच करता है. इसलिए अलग अलग टेस्ट बर्ड्स अलग अलग टेस्ट के लिए बने हुए हैं. तो जिसके टेस्ट के केमिकल्स उसके रिसेप्टर साइट की शेप से मैच होता है वो वहीं जाके अटैच होता है. सो टेस्ट इज ऑफन कॉल्ड अ केमिकल सेंस. तो हमने ये स्टार्टिंग में इसका टॉपिक में देखा था कि टेस्ट को केमिकल सेंस बोलते हैं. ऐसे क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वर्क्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड पीपल ईट इन द सेम वे विद न्यूरॉन रिसेप्टर वर्क विद न्यूरो ट्रांसमीटर्स. क्योंकि इसमें जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो ट्रैवल नहीं करते हैं. इसमें जो फूड के अंदर के केमिकल्स हैं वो ही न्यूरॉन्स को, जो रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन्स के, उनमें जो है वो आगे ट्रांसमिट होते हैं केमिकल्स डायरेक्टली. तो इसलिए इसको केमिकल सेंस बोलते हैं. व्हेन द मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड इन सलाइवा फिट इनटू द रिसेप्टर्स अ सिग्नल इज फायर्ड टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट द टेस्ट सेंसेशन. तो जैसे ही हम खाना मुंह में डालते हैं तो उसमें फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सलाइवा में डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होकर अपने रिसेप्टर साइट पे जाके फिट हो जाते हैं जहाँ पे उनकी शेप मैच करती है. तो एक सिग्नल ब्रेन की तरफ जाता है जो हमारे टेस्ट को फिर आइडेंटिफाई करता है. तो यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको केमिकल सेंस ही बोलते हैं. सो इन जनरल द टेस्ट रिसेप्टर्स गेट सच अ वर्कआउट डेट दे हैव टू बी रिप्लेस्ड एवरी 10 to 14 days. क्योंकि हम पूरा दिन टेस्ट बड्स को यूज़ करते रहते हैं और वो कुछ ना कुछ काम चलता रहता है उनका पूरा दिन, क्योंकि हम कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं तो इतनी जल्दी वो वर्कआउट हो जाते हैं, मतलब वो यूज्ड अप हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कि उनको एवरी 10 to 14 days में रिप्लेस करना पड़ता है टेस्ट रिसेप्टर्स को. और जब आपकी कई बार जो जीभ जल जाती है, डैमेज हो, कट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वो सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी से फिर रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं ताकि जो आपका टेस्ट है वो वापस आ जाए टेस्ट की सेंस. अब आता है द 5 basic tastes. हमें पता है कि 4 tastes तो हमें पता ही है कि जैसे एक स्वीट होता है मीठा, एक सार होता है जो खट्टा होता है, एक सॉल्टी होता है जो नमकीन होता है, और एक होता है बिटर जो कि कड़वा होता है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने 5 लिखे हुए हैं. सो इन 1916 अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट नेम हैंस हैनिंग प्रपोज दैट देर आर 4 primary tastes. पहले तो 4 ही आए थे जो हमें पता है, स्वीट, सार, सॉल्टी और बिटर. लेकिन बाद में लिंडमैन ने बोला था कि एक 5वां भी एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं उमामी, यहाँ पे दिया हुआ है. तो लिंडमैन ने ये बोला था कि 5वां भी एक टाइप का टेस्ट है जिसको हम उमामी बोलते हैं. और सो एसोसिएटेड विद फूड लाइक चिकन सूप, टूना, कैल्प चीज़ एंड सोय प्रोडक्ट्स. तो ये वो वाले टेस्ट हैं जो थोड़ा सा न्यूट्रल होते हैं, ना सॉल्टी में आते हैं ना स्वीट में आते हैं, ना ज़्यादा कड़वा ना ज़्यादा मीठा, उस टाइप का जो बीच का जो टेस्ट होता है जैसे चीज़ में होता है, चिकन सूप में होता है, तो उस टाइप के जो टेस्ट को हम बोलते हैं उमामी. सो ये जो वर्ड है ये एक जापनीज वर्ड है जो कि डॉक्टर किकुने इकेडा जो है टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने दिया था इस पर्टिकुलर टेस्ट को. ठीक है, उसके बाद आता है डॉक्टर इकेडा हैड सक्सीडेड इन आइसोलेटिंग द सब्सटेंस इन कैल्प दैट जनरेटेड सेंसेशन ऑफ मामी. तो वो ये कैसे इन्होंने देखा कि ये भी एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, क्योंकि कैल्प होता है ना, कैल्प एक खाने की चीज़ होती है. कैल्प कैल्प बेसिकली ग्रीन कलर का एक पत्ते होते हैं, जैसे हम पालक के पत्ते खाते हैं उस टाइप से कैल्प भी होता है. उसके अंदर इन्होंने एक चीज़ निकाली थी ग्लूटामेट, जो हमारी उमामी सेंसेशंस को जनरेट करता है, हमारे टेस्ट बड में एक सेंसेशन जनरेट करता है जो कि ना स्वीट होती है ना सार होती है ना सॉल्टी ना बिटर. तो उसको फिर अलग से इन्होंने एक नाम दे दिया उमामी करके.
ग्लूटामेट एग्जिस्ट नॉट ओनली इन द फूड लिस्टेड अर्लियर बट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क. ये ग्लूटामेट जो है ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है एंड इज द रीजन दैट सीजनिंग, और जो सीजनिंग हम ऊपर से डालते हैं उसमें भी होता है MSG नाम से, मोनोसोडियम ग्लूटामेट. ये क्या करता है, फ्लेवर ऐड करता है फूड में, फूड के अंदर फ्लेवर ऐड करता है ग्लूटामेट. ठीक है, तो यही पर्टिकुलर जो चीज़ है ग्लूटामेट, ये ही हमारी उमामी सेंसेशंस को जनरेट करते हैं टंग में. इससे जो फूड है वो और ज़्यादा टेस्टी लगता है. बेसिकली द फाइव टेस्ट सेंसेशंस वर्क टुगेदर अलॉन्ग विद द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेक्सचर, टेम्परेचर एंड हीट ऑफ फूड टू प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ टेस्ट सेंसेशन. अब हमें हर खाने में पाँचों से ज़्यादा, कई बार बहुत ज़्यादा, बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट भी आते हैं. हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम ये चार पांच टेस्ट ही खाते हैं, हमें तो बहुत वैरायटी ऑफ टेस्ट जो है वो हमारे फूड में पता लगता है. तो वो कैसे होता है, क्योंकि ये पांचों चीज़ें, पांचों जो टेस्ट हैं प्लस हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसके साथ मिलके खाने का टेक्सचर भी होता है, खाने का टेम्परेचर भी होता है, वो सारी चीज़ें मिलके बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट सेंसेशन डेवलप करते हैं. तो हमें पर्टिकुलरली चार पाँच टेस्ट के अलावा और भी बहुत डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो है वो हमें सेंस होते हैं. जस्ट एज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप कैन वेरी ऑन देयर फूड प्रेफरेंसेस, दे कैन ऑल्सो वेरी ऑन द लेवल ऑफ परसीव्ड स्वीटनेस. फॉर एग्जाम्पल, ओबीज इंडिविजुअल्स हैव बीन फाउंड टू एक्सपीरियंस लेस स्वीटनेस देन इंडिविजुअल्स हु आर नॉट ओबीज. यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से फूड की प्रेफरेंस चेंज होती है ना, कईयों को मीठा ज़्यादा पसंद है, कईयों को तीखा ज़्यादा पसंद है, वैसे ही हमें कोई चीज़ कितनी मीठी लग रही है या कोई चीज़ कितनी तीखी लग रही है ये भी फ़र्क होता है. जैसे कि जो ओबीस होते हैं, जो बहुत मोटे लोग होते हैं, उनको जो है स्वीटनेस जो है वो थोड़ी कम लगती है, इसलिए वो और ज़्यादा स्वीट और ज़्यादा हाई फैट की चीज़ें खाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ में स्वीटनेस बहुत कम लगती है. तो बेसिकली ये हमने, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनके टेस्ट बड्स उस चीज़ को लेके उसमें माउथ में कम है, या फिर ये हो सकता है कि एक पॉसिबल यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि अनरिलेटेड स्टैंडर्ड सेंसरी एक्सपर्ट ऑफ नॉन इंटेंसिटी सच एज ब्राइटनेस, मतलब उनको कोई चीज़ जो है उसका सेंस कम हो रहा है, स्वीटनेस का जो सेंस है वो कम हो रहा है, इसलिए उनको वो और ज़्यादा स्वीट खाने के लिए वो अट्रैक्ट होते हैं. उनके अंदर जो टेस्ट बड्स हैं वो उस चीज़ के कम हैं या कम वो स्टिमुलेट हो रहे हैं. तो काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं कि हमें टेस्ट जो है वो अलग अलग आता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का भी. इसमें उसके बाद आपका मेनली ये टॉपिक खत्म हो गया है यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये लास्ट में बोला हुआ है कि जो टेस्ट का जो सेंस है वो स्मेल के सेंस के साथ ही मिलके काम करता है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर अपना सेंस ऑफ स्मेल या अपने जो है वो नाक जो है बंद कर ले तो हमें वही टेस्ट आएगा जो हमें नॉर्मली खाते टाइम आता है. तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सेंस ऑफ सेंट या ऑल्फैक्शन जिसको बोलते हैं, सेंस ऑफ स्मेल. तो इसको भी यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.